नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ रिव्यूस रिव्यू में। आज हम करने वाले हैं द नाइट मैनेजर वेब सीरीज का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये जो वेब सीरीज है, द स्टोरी इज बीइंग इंस्पायर्ड एंड कम्प्लीटली टेकन फ्रॉम द नॉवल रिटन बाय जॉन ली केर। द नॉवल वॉज पब्लिश इन 1993 एंड इट्स बेस्ड ऑन स्पाई फिक्शन। और फिर इसे टीवी पर रिलीज किया गया एज एपिसोड इन 2016 इन हॉलीवुड। और उसके बाद अब 2023 फरवरी 16 को इसे रिलीज किया गया है हॉटस्टार पर इन हिंदी एज वेब सीरीज। फ्रेंड्स, हॉटस्टार पर ये 4 एपिसोड की करी गई है ये वेब सीरीज। अगर मैं इसके डायरेक्टर की बात करूं तो संदीप मोदी, हु हैज डन अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन टू दिस कंप्लीट प्लॉट। थोड़ी सी हेरफेर इन्होंने की है, थोड़ी सी इंजीनियरिंग इन्होंने की है। जैसे नॉवल में जो स्पाई रहते हैं उनकी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कास्ट, जो लीड रोल है, आदित्य रॉय कपूर, हु वाज अ फॉर्मर नेवल ऑफिसर एंड हु इज करेंटली वर्किंग एज अ नाइट मैनेजर इन द होटल, वो जब कॉन्फ्रंट करते हैं एक ऐसा ब्रूटल डेथ, जो कि एक बहुत ही छोटी सी बच्ची का डेथ होता है उसी के आंखों के सामने, तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इसलिए नहीं बर्दाश्त कर पाते क्योंकि उसके जस्ट एक दिन पहले वो छोटी सी बच्ची जिसका डेथ हो जाता है उनकी आंखों के सामने, उन्होंने उससे, आदित्य रॉय कपूर से उन्होंने मदद मांगी थी, जिसको वो हेल्प करना चाहते थे, बट समहाउ ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। और उन्हें इस बात का जो गिल्ट होता है, इस गिल्ट को वो कैरी करते हैं। अल्टीमेटली जो लोग, जो इस डेथ का जो रीज़न होते हैं, जिनके कारण ये सारी दुर्घटनाएं होती है, तो वो बन जाते हैं एक बहुत बड़ा हथियार इन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए। तो क्या आदित्य रॉय कपूर बहुत ही फैटल वेपन के रूप में इनको कम्प्लीटली ख़त्म कर पाएंगे, इनके पूरे गिरोह को वो ख़त्म कर पाएंगे? दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द प्लॉट बेस्ड ऑन। और अब ये जो वेब सीरीज है, इसके अगर मैं सबसे पहले स्टारकास्ट की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें बहुत ही सुपर स्टारकास्ट इसमें ली गई है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट इज अनिल कपूर, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ द बिजनेस टाइकून, हु इज द आर्म डीलर सप्लायर शैली रोंगटा। ही रियली जस्टिफाइज हिज रोल्स। क्या कमाल की, गजब की उनकी वॉइस क्वालिटी, उनकी एटीट्यूड, द शार्प, द स्टाइल, द वे ही प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, लगता है बॉस ही इज फिट फॉर एनी रोल। देन आदित्य रॉय कपूर, कम्प्लीटली एक जबरदस्त बिल्डअप उनका है और बहुत ही अच्छी फिजिक उन्होंने मेंटेन करी है। आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा दैट ही वॉज नॉट एन ऑफिसर एंड ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वॉट ही इज डूइंग इन दिस सीरीज। फॉर एडिंग द ब्यूटीज इन दिस सीरीज, यहाँ पर शोभिता धुलीपाला, जो कि बहुत सारे वेब सीरीज में आपने देखा इनका परफॉर्मेंस, ये भी यहाँ पर टू एड द ब्यूटी ऑफ दिस वेब सीरीज। उनकी भी एक अपनी पर्सनल स्टोरी है, कैसे वो शैली रुंगटा के साथ कैसे उनका कनेक्शन होता है, कैसे वो आगे इस प्लॉट में बढ़ते हैं, उनकी भी एक बैक स्टोरी है। कहीं कहीं पर ये बताने की कोशिश करी गई है कि देयर इज सम रीज़न व्हाई सी इज विद दीज पीपल, वो कम्प्लीटली रिवील नहीं किया गया इन 4 एपिसोड में, बट देयर आर फ्यू मोर एपिसोड्स विच विल डेफिनेटली कम इन जून एज प्रोमिस्ड बाई देम, दैट नेक्स्ट 4 एपिसोड्स जो हैं वो जून में आएंगे, जो कि कहानी को और भी ब्यूटीफुल बनाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको वाइंड अप करेंगे। शाश्वत चैटर्जी, ही इज रियली समवन हुम आई लव वॉचिंग बिकॉज इज जॉय टू वॉच। उनकी एक्टिंग, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, इज ही कैन डिपिक्ट एवरीथिंग इन अ वेरी फ्लॉलेस मैनर। दीज आर सम ऑफ द कास्ट विच रियली जस्टिफाइज द कंप्लीट प्लॉट विद देयर emotions, feelings and acting. Tilottama Shome, she has also done a very beautiful job in this particular web series. Unhone Raw ki jo ek officer hone ka jo ek kirdaar unhone nibhaya hai, wo bahut hi flawlessly apne kaam ko karte hain aur bahut hi khoobsurti se apne pure kirdaar ko wo justify karte hain. So these are some of the really very powerful cast in this web series, jiske karan जो है ये एक बहुत ही स्ट्रांगली ऑन कैमरा आप इसे देख सकते हैं, कहीं से भी आपको ये फील नहीं होगा दैट एक्ट किया जा रहा है, दे आर सो नेचुरल इन दिस प्लॉट। नेक्स्ट कमिंग टू IMDb रेटिंग, राइट फ्रेंड्स, 7.6 आउट ऑफ 10, तो ये काफ़ी कम रेटिंग है, 9 इन्हें मिल सकता था, बट समहाउ दैट डिपेंड्स।
आई विल नॉट से और नॉट कम्प्लीमेंट क्यों ये 7.6 है, बट अकॉर्डिंग टू मी 9 कैन बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज. अब आते हैं, बात करते हैं कि क्यों हमें ये मूवी देखनी चाहिए, क्यों ये वेब सीरीज देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए. आई विल गिव यू सम रीजंस टू वॉच एंड सम रीजंस नॉट टू वॉच. द रीजन नंबर 1, इसका प्लॉट. प्लॉट ऑलरेडी प्रूवन है, ऑलरेडी इस पे हॉलीवुड में टीवी सीरीज भी बन चुकी है एंड द नॉवल वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. सो प्लॉट पे तो कहीं पर भी आपको डाउट नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज कम्प्लीटली वेल एग्जीक्यूटेड. पॉइंट नंबर 2, जितने भी कास्ट के बारे में मैंने आपको बताया, दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब. सो इट इज रियली फन वॉचिंग ऑल दिस ब्यूटिफुल कास्ट ऑन स्क्रीन ऑन अ वेब सीरीज लाइक दिस. पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, आदित्य रॉय कपूर हु हैज डन अ डेब्यू इन दिस सॉर्ट ऑफ वेब सीरीज इन हॉटस्टार. आई रियली एंजॉय हिज मूवीज बिकॉज he is really a good looking and a very powerful actor, no doubt. Fourth point ki agar main baat karu to bahut hi khoobsurat locations aur bahut hi khoobsurat screenplay iska hai jiske karan aap ise dekhte samay bilkul bhi bore feel nahi karenge, aap completely entertain honge. Itni khoobsurat wadiyon mein, itni khoobsurat locations pe ye shoot kiya gaya aur kafi acha paisa kharcha kiya gaya without any doubt. क्यों नहीं देखनी है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पहला रीजन, 4 एपिसोड देखने के बाद आपको ये फील होगा कि बाकी के 4 कब आएंगे बॉस. और ये जो ईगरनेस ये जो डेवलप कर देते हैं जिसके कारण आप कहीं भी डिप्राइव्ड फील करेंगे कि यार ये क्या किया, अधूरे में छोड़ दिया. 4 के बाद और 4 आपको अभी रिलीज कर देने चाहिए थे ना बॉस. एंड इट्स अ बिंज वॉच विदाउट एनी डाउट. आप 8 के 8 जो है एपिसोड्स देखे जा सकते थे इन अ सिंगल गो, तो आपको रिलीज करना चाहिए था. सो इट इज़ वेरी अपसेटिंग, तकलीफ में आ जाते हैं जब आपको ये लगता है कि 4 के बाद और नहीं है, अच्छा जून तक वेट करना पड़ेगा. एंड दूसरा पॉइंट जो है जिसके कारण नहीं देखनी चाहिए, IMDB की जो रेटिंग है 7.6, जो किसी भी तरीके से इतनी नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज वेन पीपल सर्च इट ऑनलाइन कि वाकई में ये कितनी इफेक्टिव है और कितनी ज़्यादा इसे रेटिंग मिल रही है, तो लोग आपको रेफर करते हैं और 7.6 देखने के बाद कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं कि इसे देखनी चाहिए या नहीं चाहिए. दे कम इन अ डाउट पोजीशन. ये दोनों चीज़ों के कारण हो सकता है कि लोग नहीं देखना पसंद करें या नहीं देखना चाहें, या मैं भी अगर कहूँ कि मैं नहीं देखता. आई हैड टू गिव अ रिव्यू टू माई डियर ऑडियंस, माई डियर सब्सक्राइबर्स, माई डियर व्यूअर्स, एंड फॉर दैट रीजन आई हैव गॉन थ्रू दिस वेब सीरीज एंड आई फाउंड इट वेरी लवली एंड एंटरटेनिंग. यू शुड वॉच इट एंड इट्स अ बिंज वॉच. विदाउट एनी डाउट आपका जो वीकेंड है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है अगर आप इस वेब सीरीज को देखते हैं तो. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल ऑन माई बिहाफ फॉर टुडे ऑन द मिडनाइट मैनेजर. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, फिर मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में. तब तक के लिए नमस्कार.